नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल, और आज के इस वीडियो में मेनली हम जो आप लोगों का कमेंट होता है उसी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया था। पिछले एक महीने में कम से कम हमको 10 से 15 ये मैसेज आया है कि सर हम बहुत गरीब हैं, लाचार हैं, सुसाइड कर लेंगे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ। मतलब बुरा लगता है, दुनिया ताना मारती है, ये सब टाइप का चीज़। तो ओझा सर हैं, एक आईएएस का तैयारी करवाते हैं, उनका एक लाइन ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि जो सन्यासी होता है ना वो, और जो छात्र होता है उसका कोई इज्जत ही नहीं होता है। तो आप किस इज्जत के लिए, और कोई ताना मार रहे हैं तो क्या मतलब यार, कोई इज्जत ही नहीं है तो क्या तुम बेइज्जत हो रहे हो। तो इस सब चीज़ को हटाइए और खुद से संघर्ष कीजिए। और ये जो है ना कि गरीबी है, लाचार हैं, तो आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि आजकल में अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक है तो ट्यूशन पढ़ाइए, पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है अगर शरीर से कुछ कर सकते हैं तो कुछ फिजिकली काम कीजिए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, उससे हो सकता है कुछ इंस्पायर हो। तो अगर मैं बात करूँ, जब मैं ग्रेजुएशन हो गया था मेरा, ग्रेजुएशन के बाद मैं घर से पैसा लेना बंद कर दिया था। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद घर से पैसा लेते हो ना, तो हमारे परिवार का या अपने समाज का जैसा है कि गार्जियन को लगता है कि किडनी मांग लिया है, ठीक ना। तो उसके बाद कोशिश कीजिए ट्यूशन पढ़ाना। मैं जनरली ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, और जब 2020 में लॉकडाउन लग गया था तो ट्यूशन छूट गया था, क्योंकि सब जो बच्चे थे वो चले गए थे गाँव, तो ट्यूशन बंद हो गया। फिर हम क्या किए थे उस टाइम, जो भोज वाला पत्ता होता है ना, पत्ता ग्लास वो सब, तो एक SBL कंपनी था, तो उसके साथ हम वो बात किए हुए, और फिर जो गांव में किराना दुकान है उस सब से बात किए कि आपको जितना में वो पत्ता मिलता है ना, उससे हम सस्ता में आपको दिलवा देंगे और हम बहुत कम का मार्जिन लेंगे। उसमें क्या होता था कि करीब हम 15-20 का मोबाइल नंबर ले लिए, और जो कंपनी था उसका रेट और दुकानदार का रेट वो एक पे लिख लिए थे, और सुबह कम से कम 6 से 7 खूब सुबह में ही फ़ोन कर लेते थे कि आज आपको सामान चाहिए कि नहीं चाहिए। उसका ट्रक आता था, जितना सामान हमको लेना था दे देते थे। मतलब 1 से 1.5 घंटे में हमारा डेली का कम से कम 300-400 रुपये बच जाता था। मतलब ठीक ठाक चल रहा था वो, और फिर धीरे धीरे तो उसका फिर यूट्यूब चलने लगा, तो फिर अब मतलब ठीक है, चल रहा है ठीक ठाक। तो आप कुछ से कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप गार्जियन के भरोसे ही पूरा ये रहे, हम पढ़ने में तेज़ नहीं है तो ट्यूशन कैसे पढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ को थोड़ा साइड कीजिए। और पढ़ने में देखिए, एक हेजिटेशन और भी होता है कि जब होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू होता है ना, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, ठीक ठाक स्टूडेंट थे, बहुत घुसखोर वाले कमज़ोर वाले नहीं थे, ठीक ठाक थे, एक एवरेज थे। जब मैं पढ़ाने गया था ना, अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, जलीलपना क्या होता है वो समझिएगा। मैं मतलब मेरे भैया डॉक्टर हैं, तो वो उस टाइम बगल वाले में कहीं पर थे, वो आए हुए थे रूम पर, और यही कि ग्रेजुएशन हो गया है अभी तक घर से पैसे लेते हो, इस सब टाइप का एक टोन थी। हालांकि वो जिस अंदाज में गए हो, पर खुद को ना एक टोन थी लगता है वो, तो ये सुने। और जब सुबह में गए ना चाय पीने के लिए, तो घर के बाहर एक चाय का दुकान था, और वो चाय वाला समझो अपना जीवन यापन काफ़ी दिक्कत से गुजार रहा था, ऐसा हाल था उसका। मतलब सड़क पे ही एक होता है ना, साड़ी लटका के चाय बना रहा था, वहाँ पे मेरे भैया वहाँ पे चाय पिलाए, और वहाँ पे उस चाय वाले को क्या बोले जानते हो, कि आप लोगों को तो अच्छा खासा जान पहचान है ना, इस सबको कहीं ट्यूशन धरवा दीजिए ना। समझ रहे हो, आप जिसको कुछ नहीं समझ रहे हो, रियलिटी में आप कुछ नहीं समझ रहे हो, उसके पास आपके करियर के लेके बात की जा रही हो, तो बहुत बुरा लगता है। फिर हम नेक्स्ट दिन जो किराना दुकान वाला समय होता है उसको बोले कि भाई हमको कहीं ट्यूशन धरवा दो, तो फिर हमको एक ट्यूशन मिला। और जब वहाँ पे पहले दिन गए थे ना, तो हमको मतलब पढ़ाए, सिलेबस सब देखे, तो 1 क्लास का बच्चा था, ठीक ठाक था। कैलेंडर वहाँ पे एक लगा हुआ था, जो होता है ना मंथली कैलेंडर, जनवरी फरवरी वाला, उसमें उसमें था कि लोकटक लेक का एक फ़ोटो बना हुआ था। बच्चा पूछता कि सर लोकटक लेक कहाँ पे है, याद था हमको, क्योंकि उस टाइम में तैयारी थोड़ा बहुत करते थे, कुछ रिजल्ट भी आता था उस टाइम भी। हमसे नहीं हो पाया, हमको मतलब भूल गए, एक होता है ना सरप्राइज टाइप का, ये क्या पूछ दिया। तो ट्यूशन जब पढ़ाना शुरू करता है ना, तो आप 1 क्लास वाले को भी नहीं देख पाएंगे, मतलब दिक्कत होगा। लेकिन एक होता है ना, हड़बड़ाना नहीं, आराम से पढ़ाइएगा तो वो हो जाएगा। फिर हम 6 महीने के अंदर फिर 10वें वाले को भी पढ़ाना शुरू कर दिए, तो फिर आपको एक अनुभव ना वो बढ़ता चला जाता है। तो इसके लिए अगर किन्हीं को ये हेजिटेशन होता है ना कि नहीं हम कैसे पढ़ा पाएंगे ये वो, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सोचिए ना, मैं बिहार बोर्ड का पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई CBSE नहीं हूँ, और ICSE बोर्ड जो होता है ना, उसके बच्चे को मैं 10th क्लास तक को पढ़ाया हुआ हूँ होम ट्यूशन, मतलब अच्छे अच्छे बच्चे को। उसमें एक लड़का था, वो 96% आया था, NDA पास कर गया था लड़का, PT, ठीक ना। फिर वो एक उसमें कोई साइको या इंटरव्यू होता है, उसमें उछट गया था। तो अच्छे अच्छे बच्चे को पढ़ाया मैं। तो ये जो हेजिटेशन होता है ना कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ये सब चीज़ तो कर सकते हैं आप भी, बस थोड़ा वहाँ भी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए घर में बेइज्जती हो, इससे अच्छा वहाँ बेइज्जती हो जाए तो अच्छा होता है। इसलिए कुछ साइड में शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये ओवरऑल मिला के हम ये कहेंगे कि देखिए, अभी एग्ज़ाम है, अगर अभी आपको डांट भी पड़ रहा है ना, तो एक होता है ना कि शैतान बन के कि चलो
मतलब डट के रहना है, जो होगा देख लेंगे, जितना गाली खाना है खा लेंगे, लेकिन पढ़ लेंगे अभी, क्योंकि 2-3 महीने में एग्ज़ाम होना है। तो अभी इस सब पे अधिक ध्यान नहीं दीजिए कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसमें दिमाग भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के बाद या अगर एग्ज़ाम नहीं है तो आप इस सब का काम कर सकते हैं, तो ये ठीक ठाक रहता है, क्योंकि अपने पैरों पर आप खड़े हो जाएंगे ना, तो थोड़ा एक सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा और सब कुछ करने में मज़ा आता है। तो ये रही ओवरऑल बात। और ये जो सुसाइड उसाइड होता है ना, उसको गोली मार दिया। सुसाइड वो करता है ना जो कुछ नहीं कर पाता है, मैं उसको सबसे निकम्मा कहता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत, मैं उनका काफ़ी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन जिस दिन उनका सुसाइड हुआ ना, वो सुसाइड किया ना, मेरा एक दोस्त है, वो हमको आके कहा, हम उसको बोले उसका चर्चा ना लो। मतलब जो सुसाइड कर लिया ना, वो कितना भी बड़ा आदमी है, उसका हम कोई वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे जो कर्ण था, कर्ण जो महाभारत की बात करते हैं, कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन उसका वैल्यू कोई नहीं किया, क्योंकि वो कौरव के साथ मिल गया था, समझ रहे हैं। तो आपके अंदर कितना ही प्रतिभा है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गलत साइड चले गए, गलत रास्ता चुन लिए, तो आपका वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो है, ठीक ना। आदमी आपका बुराई करे वो अच्छी बात है। तो इस वीडियो में ओवरऑल यही है कि मोटिवेट रहिए, लाइफ में ज़िंदगी मिला है, हाथ पैर सलामत है, कुछ कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, बढ़िया मन लगा के ज़िंदगी वैसे ही गुजर जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।